ये मंदिर में आगे प्रोजेक्ट में स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज मैं साईं धाम के दर्शन करने आया हूँ। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये मंदिर बहुत ही अति सुंदर है, तो चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ दो साईं बाबा के मंदिर हैं जो शहीद राम गोविंद सिंह महली हॉल्ट के समीप स्थित है। पटना गया रेलवे लाइन के अंतर्गत आता है, पटना से 10 किलोमीटर दूर। तो यह आप बाहर का नज़ारा डबल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, मैं अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा और नाइट विजन भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। तो चलिए साईं बाबा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। जय साईनाथ। पहले मंदिर का ये निचला खंड है जहाँ साईं बाबा विराजमान हैं। सभी साईं बाबा के प्रतिमा को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, सातों दिन अलग अलग साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो ये साईं बाबा काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। चलिए मैं यहाँ के प्रमुख सेवकों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने मंदिर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये मंदिर का 2003 से पूजा पाठ शुरू हुआ है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार 2007 में हुआ। एक व्यवस्थापक एके गौतम, अनिल कुमार गौतम जी हैं, उन्हीं के सृजन से मंदिर का विकास, ये छोटा शिरडी साईं धाम बन रहा है, शिरडी का छोटा रूप दिया जा रहा है। ये मंदिर में आगे प्रोजेक्ट में स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ है। अभी फिलहाल ये समाधि मंदिर ही खंडोवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब एक और मंदिर है उधर, तो समाधि मंदिर है, उसके बगल में चावड़ी बन रहा है। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो चलिए मैं दोस्तों अब आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ मंदिर का। तो आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है और बाबा की सेवक हैं ये। तो आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मंदिर का ऊपरी खंड है और यहाँ एक घंटा लगा हुआ है, तो मैं इस घंटे को बजा देता हूँ। तो ये दृश्य आपको काफी मनोरम लग रहा होगा, साईं बाबा जो यहाँ है स्थित। दोस्तों चलिए मैं अब मंदिर की परिक्रमा करके दिखाता हूँ। तो ये मंदिर का जो है ये खंड आप देख रहे हैं, यहाँ सफाई सुथरा करने के लिए जो है व्यवस्था भी लगी हुई है। ये बैक का नज़ारा है जहाँ देख रहे हैं कि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये इस साइड का नज़ारा आप देख रहे हैं, इधर भी खेती होती है और कंस्ट्रक्शन का भी काम बैक साइड में हो रहा है। और ये जो नज़ारा है वो पटना गया रेलवे लाइन का नज़ारा है, शहीद राम गोविंद ये कहा जाता है। ये एक हॉल्ट है और यहाँ आप देख रहे हैं तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं भक्त लोग, सेवा में के लिए जो है फैन भी लगा हुआ है। उन्हें गर्मी भी लगती होगी तो ये फैन चालू करके उन्हें ठंडक दी जाती है। चलिए मैं आपको दूसरा खंड दिखाता हूँ। यहाँ से जो है आप देख रहे हैं ये खंड आपको इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए आप लोग को आप दूसरा खंड दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ पूजा की सामग्रियाँ रखी हुई हैं जिन्हें आप परचेज करके जो है या खरीद करके बाबा को चढ़ा सकते हैं, प्रसाद भी रखे हुए हैं। और यहाँ देखिए, और ये आपका नीचे का नज़ारा है, देखिए विश्राम के लिए स्थल बना हुआ है। दोस्तों यहाँ एक लैंडी बार लगा हुआ है, यहाँ पर लोग विश्राम भी करते हैं। जो आते जाते लोग हैं अगर वो रात में रुकना चाहें तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है और पूजा की सामग्री यहाँ सेल करने के लिए रखी। चलिए आप मैं आपको दूसरा खंड दिखाता हूँ। मंदिर का दूसरा खंड उत्तरी ओर है, यहाँ दो रास्ते हैं, साइड से यहाँ रास्ता भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, और फ्रंट से मेन रोड से भी रास्ता है। चलिए आप देखिए दोस्त, ये खंड दिखाता हूँ।
दोस्तों ये दूसरा खंड है, मुझे काफ़ी आकर्षक लग रहा है। आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये मंदिर कैसा लगा आपको। तो चलिए मैं आप अब मैं यहाँ से आशीर्वाद ले लेता हूँ। जय साई नाथ। तो ये मंदिर आपको कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ उनकी सेवा सत्कार के लिए फैन भी लगा हुआ है और उनके सेवकों और भक्तों की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं और देखिए यहाँ गुरु का स्थान बना हुआ है। तो आपको काफी सुंदर ये लग रहा होगा। तो चलिए अब मैं इसके बाहरी दृश्य को दिखाता हूँ। NH-83 भी बोला जाता है, पटना गया लाइन रेलवे लाइन है ये, और ये हॉल्ट है करीब 10 मीटर दूर, ये पटना से पड़ता है। आप लोग जब भी इस हाईवे से गुजरें तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर कर लें। तो ये इधर का दृश्य है। जय साईनाथ। तो दोस्तों ये मंदिर आपको कैसा लगा? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे प्रेरित कीजिए, मुझे मेरी महत्वाकांक्षा को बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।